और ये देखिए ग्रेपफ्रूट देखिए मेरे हाथ में निकल के आ चुका है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें आपको अधिक से ज़्यादा मजा आएगा। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसकी मदद से हम किसी भी करंट को पास कर सकते हैं। जैसे कि एक वायर होता है, इसमें से भी आप किसी भी करंट को पास कर सकते हैं, बस इसमें अंतर इतना होता है कि कोई वायर मोटा होता है कोई वायर पतला होता है। तो जो पतला वायर होता है वो कम करंट के लिए होता है, आपको पता ही होगा, और जो मोटे वायर ज़्यादातर आते हैं वो होते हैं ज़्यादा करंट के लिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो आपने कई सारे ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ग्रेफाइट की मदद से छोटे छोटे बल्ब 10 वॉट के या 20 वॉट के जलाकर किसी ना किसी ने आपको दिखाए होंगे इस तरह के। देखिए जैसे कि ये वाला एलईडी का बल्ब है जो कि 10 वॉट का है, तो मैं चाहूँ तो इस पेंसिल की मदद से इसको जला सकता हूँ, जो कि मैं आपको अभी जलाकर भी दिखाऊंगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस पेंसिल के अंदर से हम करंट पास करके क्या उस 2 एयरवॉट के इंडक्शन को भी जला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के? जैसे कि आप मान लीजिए इस वायर है, ये पतला वाला वायर है, ये तो फिर भी अच्छा वायर है, पर मान लीजिए कि पतला वाला वायर है और इससे आप मान लीजिए कि ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते, तो इस पर अगर मैंने 2 एयरवॉट का करंट डाल दिया तो ये जलकर राख हो जाएगा। तो आप सबको पता ही होगा कि जब हम किसी कम करंट वाले वायर पर ज्यादा लोड डाल देते हैं तो वो वायर जल जाता है। क्या बोला तूने? तो क्या पेंसिल में भी ऐसे ही कुछ होगा? क्योंकि पेंसिल आपको पता ही होगी इससे हम इस बल्ब को तो आसानी चला सकते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर क्या ये जो पेंसिल है वो 2 एयरवॉट के इंडक्शन को आसानी से चला पाएगी? तो आज हम इसी का टेस्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो पहले मैं आपको एक बल्ब जलाकर दिखाऊंगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हम एक पेंसिल का यूज करेंगे। तो आप ऐसा ट्राई करने को बिल्कुल ही मत करना, मैं जानता हूँ कि बच्चों को ज्यादा शौक होता है तो बिल्कुल मत करना यार, खतरनाक हो सकता है, आप समझ रहे बात को। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या करंट आ चुका, तो मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ बल्ब जो कि इस पेंसिल की मदद से जलेगा। ये देखिए आप देख रहे होंगे, तो देख बल्ब हम जला पा रहे हैं इस पेंसिल की मदद से। एक तो देखिए वहाँ टच है और एक इस साइड है, इसमें थोड़ी चिंगारी सी आ रही है। तो देखिए ये भी हो सकता है कि जब हम इसमें से ज्यादा लोड वाला करंट पास करें तो हो सकता है कि पेंसिल जलकर राख हो जाए, और आराम से मैं करंट पास कर पा रहा हूँ। ये देखिए जितनी बार लगा रहा हूँ उतनी बार करंट पास हो रहा है। तो अब हम इसमें से 2000 वाट का करंट पास करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो को जरूर देखते रहना और हम ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए ये रहा हमारा 2000 वाट का ऊषा का इंडक्शन जो कि 2000 वाट का है, आप देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये लिखा है 2000 वाट, आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसका करंट पास करेंगे और इसको चलाएंगे डायरेक्ट पेंसिल की मदद से, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये सब हटा देता हूँ कपड़ा वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आग वगैरह लग जाए। तो दोस्तों हम जो भी करते हैं पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं, तो आप ऐसा ट्राई करने को बिल्कुल मत करना। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप बना लिया है। ये देखिए ये जो इंडक्शन है इसका एक तार गया डायरेक्ट प्लग में और एक तार गया है देखिए पेंसिल से होते हुए यहाँ पर आया है, यहाँ से पेंसिल टच होते हुए ये भी प्लग में गया है। तो ये 2 तार गए दोनों प्लग में, और इस पानी को हम गर्म करेंगे और देखते हैं क्या ये पेंसिल इस पानी को गर्म कर पाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी के माध्यम से आएगी। तो देखिए इसके अंदर से जो करंट है ना फ्लो होके आ रहा है, तो अब हम इसको चालू करते हैं और जो कुछ होगा आपके सामने होगा। पहले हम कम वाट पर करेंगे, ये देखिए अरे वो देखिए क्या हुआ, देखिए पूरी पेन से जल गई और देखिए कैसी आग लग गई देखिए उसमें। तो दोस्तों अब हम इसको साइड में कर देते हैं क्योंकि आग लग गई बहुत ज्यादा बुरी। चल झूठा। तो देखिए हमने बुझा दी है पूरी पेंसिल, मतलब जलकर राख हो चुकी है। क्या बोला तूने? तो आपने देखा होगा कैसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा बिल्कुल आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, मतलब वो सह नहीं पाई करंट को। अगर हम 100 वाट भी कर देते ना तब भी, मैंने आपने देखा कि मैंने कितना कम करंट कर दिया था, तब भी पूरी जलकर राख हो गई पूरी पेंसिल का, मतलब जो डोम्स का जो पूरा कलर था ना पेंसिल का पूरा पूरा उड़ गया है। ये देखिए पेंसिल का जो कलर था ना वो देखिए ऐसा कुछ था, और यहाँ से देखिए कितनी चेंज हो गई आप देख सकते हैं, मतलब पूरी ब्लैक हो चुकी है, और डोम्स की पेंसिल थी देखिए कितनी मतलब जल चुकी है, और देखिए इसमें क्रैक भी आ चुका है बीच में। सही कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार, पेंसिल में भी अंदर भी क्रैक आ चुका है। ये देखिए यहाँ खपटी खपटी सी हो चुकी है, ये देखिए ये तो जल ही चुका है। देखिए मैं देखा हाथ से, देखिए आपने कभी देखा किसी को पेंसिल को हाथ से छीलते हुए? देखिए मैं छील रहा हूँ, तो मैं हुआ ना सुपर वूमेन, नहीं सुपरमैन। तो देखिए मैंने देखिए पेंसिल को देखिए हाथ से छील दिया है। तो हम इसके साथ एक और बार ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और मैंने तो सोचा नहीं था कि तारों में भी आग लग जाएगी, मुझे लगता है पेंसिल में लगी ना उस वजह से तारों ने आग पकड़ ली, वरना तार ऐसे नहीं है कि आग पकड़ लेते इतनी जल्दी। तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कोई टेप वगैरह नहीं, तो हम इसको चालू कर देते हैं। ये देखिए आप आ चुकी है, ये देखिए समझ रहे हो ना। अब देखिए 100 वाट का करंट आ रहा है देखिए उसी पेंसिल के माध्यम से, और अब कुछ नहीं हो रहा, आप देख रहे हो पेंसिल को अब कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है वो सब कुछ हुआ था लकड़ी की वजह से, लकड़ी ने आग पकड़ ली क्योंकि क्या वो गर्म हो रही थी। अब देखो बढ़ा देते हैं, 400 कर दी देखिए मैंने अभी, और ये देखिए फिर से धुआं निकलने लगा है। और मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जो आग है वो लकड़ी में लग रही है ना कि ग्रेफाइट में, और ये देखिए अब धुआं निकलना बंद हो गया है। ये हो सकता है कि जैसे ही हम वाट को ज्यादा करें, यानी कि अभी 100 है तो मैं मान लीजिए 1000 कर देता हूँ,
तो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है ना वो गर्म हो जाए बुरी तरीके से। अभी भी गर्म होगी मैं ये बात जानता हूँ, पर अभी कम गर्म है। तो देखिए अब हम बढ़ा देते हैं भाई, 400 कर दिया देखिए फिलहाल, 800 अभी 800 वोट पर चल रही है। और मुझे लगता है कि देख धुआं निकलने लगा, देख दीदी मतलब कितना धुआं, देखिए मतलब धुआं कैसे निकला, जैसे कि कुछ सिगरेट जलाता है वैसे ही कुछ धुआं निकल रहा है और धुआं इस कमरे में ही फैल रहा है। तो हम इसको बढ़ा देते यार, 400 पर कर दी थी मैंने टोटली। अब देखिए धुआं कैसे निकल रहा है, देखिए मतलब कैसा धुआं निकल रहा है। अब देखिए निकल रहा अपने बंद हो गया, अभी 400 पे चल रही है और कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए फिर से धुआं निकलने लगा, पानी तो हमारा गर्म नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसा कुछ होता है जब हम इंडक्शन को वायर से नहीं बल्कि ग्रेफाइट से चलाते हैं। क्या बोला तूने? तो यार पानी में ना कोई कीड़ा गिर गया है, तो पहले उसको निकाल देते हैं नहीं तो वो मर जाएगा बेचारा। तो दोस्तों देखिए हमने फेंक दिया उसको, मतलब साइड में कर दिया, ये देखिए ये रहा, अब देख रहे ना हटा दिया, क्योंकि यार जीवो को माना पापा एक तरीके से वो खराब हो चाहे अच्छा हो। तो दोस्तों आप देख सकते थे मैं फिर से पानी भर लाया हूँ जो कि ठंडा है नॉर्मली, और सही कह रहा हूँ कमरे में बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है, तो हम एक बार और कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्या है ना ये तार जो हिल गया था, ये देखिए ऐसा कुछ हुआ है, देखिए मतलब मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये देखिए ग्रेफाइट देखिए मेरे हाथ में निकल के आ चुका है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने ग्रेफाइट बिना किसी दिक्कत के अपने हाथ में निकाल लियो। आप क्या आपने कभी ऐसा किया कमेंट में जरूर बताना, और शायद मैंने ऐसा कभी नहीं किया, कभी क्या कभी भी नहीं किया। ये देखिए और ये है ग्रेफाइट के ऊपर की लकड़ी जो कि जल चुकी है, बाकी ये है ग्रेफाइट जो कि हमने पेंसिल में से निकाला है। ठीक है तो हम इसको लगा देते हैं, ये टूट गई थी ये देखिए आधा इसका ये है। और सही कह रहा हूँ मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ग्रेफाइट को यानी कि जो पेंसिल लीड है उसको मैंने बाहर निकाल लिया बिल्कुल बिना तोड़े, यानी कि बिल्कुल साबुत मैंने उसको बाहर निकाल लिया है। बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, तो क्योंकि यार कोई ऐसा नहीं कर पाता यार, मैंने तो आज तक नहीं किया। देखिए लकड़ी देखिए कैसे जल चुकी है, देखिए टूट गई थी मेरे हाथों से। तो दोस्तों देखिए मैं प्लग लगा दिया है, तो हम उसको चालू करना बस, ये देखिए उठ चुका है इंडक्शन, तो हम उसको चालू कर देते हैं, वही लास्ट बार होगा अब नहीं करेंगे चालू। ये देखिए जो इंडक्शन है वो सौ पे चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही ग्रेफाइट में। और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ 400 800, अब जो भी होगा वो ग्रेफाइट पर डायरेक्ट दिखेगा, यानी ग्रेफाइट गर्म होगी ठंडी होगी वो भी आपको डायरेक्ट देख पाएंगे, क्योंकि अब उसके ऊपर लकड़ी नहीं है। ये देखिए कितनी गर्म हो रही है अगर आप देखें, तो हम क्या करते हैं लाइट को बंद कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते कितनी ज्यादा गर्म हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई लालटेन जला रहे हैं, जैसे मेटल होता है ना उसी की तरह गर्म हो रही है ग्रेफाइट की लीड, कितनी ज्यादा गर्म हो रही है यार। तो अब हम क्या करते हैं इसको 1000 पे कर देते हैं, और देखिए अब और ज्यादा गर्म होगी, जितना हम लोड बढ़ाते जाएंगे ग्रेफाइट पर उतनी ज्यादा गर्म होती चली जाएगी। और देखिए अब देखिए कितनी ज्यादा गर्म हो गई है, उजाला नहीं कितना ज्यादा आ रहा है। और अब हमने कर दिया 1200, ये देखिए अब और ज्यादा गर्म हो रही है, मतलब जितना लोड बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज्यादा गर्म होती चली जा रही है। और देखिए टूट कर गिर गई यार, और आप देख सकते कैसे टूट कर गिर गई, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा कि ऐसे टूट कर गिर जाएगी। नीचे से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे बहुत बुरा निशान पड़ चुका है यार, बहुत बुरा निशान है यार ब्लैक ब्लैक सा। और देखिए मतलब 2-3 सेकंड में यार उसने इतना बुरा निशान छोड़ दिया जिसकी कोई हद नहीं यार, तो कितनी ज्यादा गर्म रही होगी ये आप सोच सकते हैं कि 3-4 सेकंड में इतना बुरा निशान उसने छोड़ दिया, तो देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है। इतना तो अगर हम किसी माचिस से जलाते ना, तो अगर 20 सेकंड जला देना तो उसके बाद भी ऐसा निशान नहीं आता जैसे कि इस लीड से 3-4 सेकंड में आ गया। और ये गर्म तो बहुत ज्यादा होगी इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं ला सकता, कुछ चाहिए हमें उठाने के लिए। तो देखिए ग्रेफाइट का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वैसा का वैसा ही है, पर यह है कि बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, जो भी था आपने देख लिया होगा। तो अभी शायद अब ठंडी है, बीच में ठंडी हो गई, अब ठंडी हो चुकी है। तो आप ही देखिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मतलब 2-3 सेकंड में उसने ऐसा निशान छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा गर्म होगी। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि क्या होता है जब हम ग्रेफाइट को इतना ज्यादा लोड दे देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और टूट भी जाता है। आपने देख लिया कि अपने आप तार इस तार में से निकल के गिर गया था, और देखिए तार भी टूट चुका है यहाँ, देखिए मतलब तार भी देखिए तार कैसा देखिए अलग हो चुका है, इसमें से टूटा है, ठीक है इसके अंदर फंसा हुआ था। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए।